मेरे व्यूज़ हैं, मेरे व्यूज़ किसी और को देख के कभी चेंज नहीं होंगे। टीम स्पोर्ट में कप्तान के जो डिसीजन सक्सेसफुल उनकी टीम बनाती है, कप्तान अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए उनके पास बॉलर्स भी होने चाहिए वो प्लान या वो डिसीजन एग्जीक्यूट करने के लिए, बैट्समैन भी होने चाहिए वो डिसीजन को बैक करने के लिए। मैं विराट कोहली के लिए भी ये बात बोलता हूँ कि आप सारा क्रेडिट विराट कोहली को नहीं देंगे, आपके पास रोहित शर्मा है, रहाणे हैं, पुजारा है, आई थिंक ये आपके पास बुमराह हैं, अश्विन है, जडेजा हैं। बात हम हमेशा ये करते हैं कप्तान की, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। गौतम, ये बात आपने पहले भी कही थी 2011, मुझे याद है पहले इंटरव्यूज़ में भी, कि कप्तान जो आपकी एक बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि कप्तान सब कुछ ना, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं इसको। कई सर्कल में आज चूंकि आप रिटायर कर चुके हैं ऑब्वियसली आप बात करें, लेकिन आप ये बात पहले भी कर चुके हैं, कई जगह इसको गलत रीड किया गया, ऐसा इस तरह से रीड किया गया कि नहीं, गौतम गंभीर को अनकंफर्टेबल है एमएस धोनी के साथ कैप्टन से, कई इस तरह की बातें रही हैं। लोगों का काम है कहना, इस देश में इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप सबका मुंह नहीं बंद कर सकते, और लोगों का काम है कहना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो एमएस के साथ आपके कैसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन मेरे व्यूज़ हैं, मेरे व्यूज़ किसी और को देख के कभी चेंज नहीं होंगे। मैं सर्टन प्रिंसिपल्स पे रहूँ, मैंने जब टीम स्पोर्ट, जब मैंने क्रिकेट खेलने स्टार्ट करी थी तो मेरे कई प्रिंसिपल्स थे, मेरी कई सोच थी इस स्पोर्ट के बारे में कि टीम स्पोर्ट में 15 के 15 खिलाड़ी उतने इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक कप्तान है। अगर इंडिविजुअल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होना चाहिए या होता तो उसको इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलना चाहिए। टीम स्पोर्ट में कप्तान के जो डिसीजन सक्सेसफुल उनकी टीम बनाती है, कप्तान अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए उनके पास बॉलर्स भी होने चाहिए वो प्लान या वो डिसीजन एग्जीक्यूट करने के लिए, बैट्समैन भी होने चाहिए वो डिसीजन को बैक करने के लिए। ठीक है, कप्तान ने अगर डिसीजन बनाया और दूसरे के पास इतनी क्वालिटी ही नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कर सके, तो वो कप्तान का डिसीजन कैसे सक्सेसफुल होगा? कप्तान का डिसीजन तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका प्लेयर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा टीम स्पोर्ट में। तो फिर सारी इंपॉर्टेंस कप्तान को क्यों? मैं पहले भी ये बात बोली है और मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी ये बात बोलूँगा। मैं सिर्फ एमएस धोनी के लिए नहीं, मैं विराट कोहली के लिए भी ये बात बोलता हूँ कि आप सारा क्रेडिट विराट कोहली को नहीं देंगे, आपके पास रोहित शर्मा है, रहाणे हैं, पुजारा है, आई थिंक ये आपके पास बुमराह हैं, अश्विन है, जडेजा हैं, आई थिंक ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी इंडियन क्रिकेट के लिए, तो सारा क्रेडिट कप्तान को क्यों? सौरव गांगुली के टाइम से आप ये सुनते आ रहे हैं कि पहले सौरव को सारा क्रेडिट मिलता था, फिर एमएस को, विराट कोहली को। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड है, बिकॉज इसमें कई बार क्या होता है कि आप किसी को उस प्लेटफॉर्म पे लेके चले जाते हैं जहाँ पर बाकियों को लगता है कि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, और जब बाकी प्लेयरों की कॉन्ट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी तब कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट आनी शुरू हो जाती है, तब कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि यार मेरे बारे में तो कोई कभी बात ही नहीं करता, अगर हम जीतेंगे तो सारा क्रेडिट किसी और को जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी अच्छी टीम एक बिल्ड नहीं कर सकते।